गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर का चैप्टर थर्ड क्लास सेवेंथ का द वाइज मैन सेकंड। ये फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि भोला और शांति एक पति पत्नी थे, तो उनके पास एक हॉर्स था, वो बहुत ज्यादा खाता था, तो उनने उसके एक्सचेंज में कुछ और खरीदने का सोचा। तो भोला मार्केट गया, तो पहले उसने क्या किया, हॉर्स को बेच के एक डोंकी खरीदा, मतलब एक गधा लिया। और जब उसने उसको लगा कि गधे से ज्यादा बेटर शीप होगा, तो उसने गधे को बेचकर एक शीप ले लिया। फिर वो आगे गया, तो उसने शीप के बदले में एक लड़के से एक हैन लिया, मतलब एक मुर्गी ली। उसने ये सोचा कि मुर्गी तो बहुत कम खाएगी, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद फिर वो आगे गया, तो एक लड़की हरे आम, मतलब ग्रीन मैंगोज की डलिया लिए थी, तो उसने बोला कि ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसकी वाइफ को ग्रीन मैंगोज की चटनी बहुत ज्यादा पसंद थी। तो उसने कहा मैं इस हैन को बेच के ग्रीन मैंगोज ले लेता हूँ। तो उसने वही किया, उसने उस मुर्गी को बेच दिया और उसके बदले में ग्रीन मैंगोज ले लिए। अब इस टाइम जब वो ये सब एक्सचेंज कर रहा था, बेच रहा था, उसके बदले कुछ खरीद रहा था, तो दो ठग, ठग मतलब होता है जो हमें ठगते हैं, जो हमें धोखा देते हैं, ऐसे दो लोग खड़े हुए थे और भोला को देख रहे थे कि वो क्या क्या चीजें एक्सचेंज कर रहा है और उसके बदले में क्या खरीद रहा है। दे वेंट टू भोला एंड आस्क्ड हिम। अब वो भोला के पास आए और उन्होंने उससे पूछा, द फर्स्ट ठग, विल यू सेल दीज मैंगो सर, उसने बोला क्या आप इन आम को बेचोगे मुझे। तो उसने भोला ने बोला नहीं, मैं इन सब इन आम को कभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरी वाइफ को ग्रीन मैंगोज की चटनी बहुत ज्यादा पसंद है। द सेकंड ठग, इफ सी सीज द मैंगोज सी विल बी एंग्री विथ यू, मतलब अगर वो ये मैंगोज देखेगी तो वो बहुत ज्यादा एंग्री, एंग्री मतलब होता है गुस्सा, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। भोला वाई सी विल बी एंग्री विथ मी, मतलब उसने बोला क्यों क्यों हो जाएगी मुझसे गुस्सा मेरी वाइफ। द सेकेंड थग, बिकॉज यू सोल्ड द हॉर्स एंड बॉट दीज चीप मैंगोज, मतलब हॉर्स बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो उसने क्या किया था, हॉर्स को बेच के सस्ते से आम खरीद लिए थे। तो उसने बोला इसलिए गुस्सा होगी वो, क्योंकि तुमने इतने महंगे हॉर्स को बेच के ये सस्ते से आम खरीद लिए। बोला ओ हो नो चांस ऑफ इट, सी इज एन ओबीडियंट वाइफ, सी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजन, मतलब उसने बोला नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा ओबीडियंट है, मतलब मेरी हर बात मानती है, एंड सी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजन, मतलब वो हमेशा मैं जो फैसला लेता हूँ उसमें मेरा साथ देती है। द फर्स्ट हग, अलास बट नॉट दिस टाइम, वी विल यू हैव अ बैट ऑन इट, मतलब उसने बोला कि हाँ हमेशा देती होगी मे बी, पर इस टाइम नहीं देगी, क्या तुम इस बात पे मुझसे शर्त लगा सकते हो। बोला व्हाई नॉट, व्हाट विल बी द टर्म्स, मतलब उसने बोला हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसकी टर्म्स क्या होंगे, मतलब उसकी कंडीशंस क्या होंगी। द सेकंड थग, वी शैल गिव यू 1000 रुपीज, इफ योर वाइफ डोंट गेट एंग्री विथ यू, यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस इफ सी गोज अगेंस्ट योर डिसीजन, मतलब उसने बोला कि हम लोग तुम्हें 1000 रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे अगर तुम्हारी वाइफ तुमसे गुस्सा नहीं करेगी जब तुम ये मैंगोस लेके जाओगे घर, तो और अगर उसने गुस्सा किया तो तुम्हें हमें 1000 रुपए देना पड़ेंगे। बोला दो इट इज अ वेरी लार्ज अमाउंट, आई एम सर्टेन यू विल लॉस द बैट, मतलब उसने बोला है तो ये बहुत बड़ा अमाउंट, मतलब 1000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसने बोला है तो बड़ा अमाउंट पर, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग ये शर्त हार जाओगे। बोला केम बैक होम विद द टू स्ट्रेंजर्स, हिज वाइफ वॉज ईगरली वेटिंग फॉर हिम, तो बोला फिर वापस उन दोनों के साथ घर जाता है। स्ट्रेंजर्स मीन्स होता है दो अनजान आदमी, वो उन दोनों को जानता तो नहीं था, बस उन लोगों ने शर्त रखी, तो इस वजह से वो उन्हें अपने घर ले जा रहा था। हिज वाइफ वॉज ईगरली वेटिंग फॉर हिम, मतलब ईगरली मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्सुकता पूर्वक, तो वो बहुत ज्यादा ईगरली उसका वेट कर रही थी। शांति, Did you get rid of the horse? Rid मतलब होता है किसी भी चीज से छुटकारा पाना, तो उसने बोला क्या तुम वो हॉर्स बेचा है, क्या तुमने उससे छुटकारा पा लिया। बोला smiled and replied yes my dear, भोला ने हल्का सा मुस्कुराया और वो बोला हाँ मैंने वो घोड़ा बेच दिया। शांति
व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी एंड हु आर दीज जेंटलमैन। उसने बोला तो तुमने वो घोड़ा बेच दिया तो उसके बदले में मेरे लिए क्या लेके आए हो, और ये जो दो आदमी हैं तुम्हारे साथ वो दोनों कौन हैं। फिर भोला ने बोला आई हैव ब्रॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू एंड दीज जेंटलमैन आर माई न्यू फ्रेंड्स। उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ और ये जो दोनों आदमी हैं ये दोनों मेरे नए दोस्त हैं। शांति, व्हाट इज इट, मतलब तुम मेरे लिए जो लाए हो वो है क्या जो इतना स्पेशल है। भोला, है पेशेंस डियर, आई सोल्ड द हॉर्स फॉर अ डोंकी। उसने बोला धैर्य रखो, मैं धीरे धीरे तुमको हर चीज़ बताता हूँ। उसने बोला कि मैंने उस घोड़े को बेच दिया और उसके बदले में एक गधा ले लिया। शांति, ओ गुड, वी शैल यूज इट इन अवर फील्ड, मतलब उसने बोला बहुत अच्छा किया, उसको अपन अपनी फील्ड में अपने खेत वगैरह में यूज कर सकते हैं। बोला बट डियर आई एक्सचेंज द डोंकी फॉर अ शीप। फिर उसने बोला कि लेकिन मैंने वो जो गधा खरीदा था उसको वापस से बेच दिया और उसके बदले में क्या ले लिया, एक शीप ले लिया। तो शांति ने बोला दैट्स इवन बेटर, वी शैल हैव अ प्लेंटी ऑफ ब्यूर, मतलब ये तो तुमने और भी अच्छा किया, अब तुमने शीप ले लिया तो उसके उससे हमें क्या मिलेगी, ऊन मिलेगी, तो हमारे पास प्लेंटी, प्लेंटी मतलब होता है बहुत सारी ऊन होगी। बोला बट देन आई सोल्ड इट फॉर अ हैन। तो भोला ने बोला आगे बताया कि लेकिन मैंने जो शीप खरीदा था उसको बेचकर हैन ले लिया। शांति, हाउ वाइज यू आर, अ हैन इज चीपर टू फीड देन अ शीप। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, तो उसने बोला तुम कितने बुद्धिमान हो, तुमने शीप के बदले में हैन ले ली क्योंकि हैन बहुत कम खाती है और उसको फीड करना मतलब उसको खिलाना बहुत चीपर होगा, मतलब सस्ता रहेगा। बोला बट डियर आई एक्सचेंज द हैन फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगोस, मतलब उसने फिर आगे बताया कि लेकिन मैंने जो वो हैन ली थी उसको वापस से उसके बदले में क्या ले लिया, एक बास्केट ऑफ मैंगोस, मतलब एक डलिया भर के आम ले लिए। शांति, दैट्स द बेस्ट बार्गेन यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ, आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी फॉर मोर देन अ फोर्टनाइट। मतलब उसने बोला ये सबसे अच्छा सौदा किया है तुमने क्योंकि मेरा मैंगो चटनी मतलब आम की चटनी खाने का मन हो रहा था कम से कम 15 दिन से। बोला हियर इज द बास्केट फुल ऑफ मैंगोज, नाउ टेक दिस एंड मेक टू टाइप्स ऑफ चटनी, फर्स्ट स्वीट फॉर अस एंड सोर चटनी फॉर माई क्लेबर फ्रेंड्स। तो उसने बोला ये लो ये पूरी डलिया मैंगोज और इससे तुम दो टाइप की चटनी बनाओ, एक स्वीट, स्वीट मतलब मीठी, और एक सौर, सौर मतलब होता है खट्टा, तो एक मीठी चटनी बनाओ अपने लिए और एक खट्टी चटनी बनाओ ये दो मेरे क्लेवर फ्रेंड्स के लिए, मतलब क्लेवर मतलब होता है चालाक दोस्तों के लिए। शांति बेंट इनटू द हाउस विद द मैंगोज, द टू थग्स हर्ड देयर कन्वर्सेशन विद ग्रेट सरप्राइज, मतलब शांति अंदर चली गई मैंगो लेके, उसके बाद वो दोनों जो ठग थे वो इन दोनों की कन्वर्सेशन मतलब बातचीत सुन रहे थे बहुत सरप्राइजिंगली, मतलब बहुत चौंक गए थे वो ये सब सुन के। द फर्स्ट ठग बोला You have won the bet, here is the amount, मतलब तुम शर्त जीत गए हो और ये लो तुम्हारे पैसे। उन्होंने शर्त लगाई थी कि अगर वो गुस्सा नहीं करेगी तो ठग्स उनको कितने रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे, तो उसने बोला ये लो तुम्हारा अमाउंट, तुम शर्त जीत चुके हो। द सेकेंड ठग, वन थिंग मोर सर, वुड यू प्लीज टेल मी हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी। तो उसने बोला एक चीज़ और, वो जो ठग थे उसमें से एक ने बोला कि सर एक चीज़ और, आप मुझे ये बताइए कि आप ये पैसे खर्च कैसे करेंगे। बोला आई सेल बाय अनदर हॉर्स, मतलब उसने बोला मैं एक और घोड़ा खरीदूंगा। थैंक्स।